के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। नहीं दिखा चांद ईद अब 16 को। मॉक ड्रिल के माध्यम से की गई संभावित बाढ़ की तैयारियों को जांचा परखा। जिलाधिकारी ने कहा सभी विभाग संभावित बाढ़ आपदा से निपटने को है तैयार। ईद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों में जताया सुरक्षा का एहसास। एडीजी ने कहा शांति और सौहार्द पूर्वक मनाएं त्यौहार। 18 और 19 जून को होने वाले पुलिस भर्ती परीक्षा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा। एसएसपी ने बताया 38 केंद्रों पर 4 शिफ्टों में होगी परीक्षा। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक। माइक्रो प्लान तैयार करके अभियान की सफलता के दिए निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षाओं की काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए प्रस्तावित हुई नई व्यवस्था। प्रवेश समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वयं रक्तदान कर पेश किया मिसाल। हजरत नक्कोशाह बाबा का मनाया गया 26वां सालाना उर्स। लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ चादरें चढ़ाई। प्रमुख मुख्य इंजीनियर स्तर का रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह में 306 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किया गया पुरस्कृत। पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वैश्विक शिक्षा महासंघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। पाकिस्तान सैनिकों द्वारा लगातार किए जा रहे सीज फायर उल्लंघन के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दहन किया पाकिस्तान सरकार का पुतला। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच और जेसीआई मिड टाउन द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर। लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कच्ची दारू बंद कराने को लेकर विधवा ने जिलाधिकारी से मॉक ड्रिल के दौरान लगाया गुहार। डीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। और साहित्यकारों ने किया कवि बृजभूषण राय के जीवन संघर्ष और आधारित काव्य पुरुष पुस्तक का विमोचन।